हेलो गाइस एंड हैप्पी दिवाली सबको। सबसे पहले भाई मेरे को पता है मैंने कल सबको विश नहीं किया। भाई क्या बताऊं यार, मतलब इतने सारे घर के काम होते हैं ना। अब देखो भाई एक स्पॉन्सर वीडियो करने वाला हूं तो मैं सबका सपोर्ट चाहता हूं। अब बात करते हैं गाइस, पैच नोट आया आज के दिन में, अपडेट आने वाला है, जल्दी आ जाएगा अभी आधे घंटे में मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो फ्रीजिंग रश 2 करके। अब जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हो यार, फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप देख सकते हो 550 हो चुके हैं, हमें इसे 600 करना है इस वीक, जो अपकमिंग वीक है उसके एंड तक। तो पैच नोट चालू करते हैं। जेशन यहाँ पे आप देख सकते हो कि वीक हो गया है यहाँ पे इफेक्ट, सेक्रेट स्क्वाड का जो इफेक्ट था वो दोनों प्लस और दोनों नर्फ हो चुका है। तो यहाँ पे जेशन नर्फ होता हुआ दिखेगा आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो कि है मिराइडोन। भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा था ये गेम में, लेवल 5 तक ना बहुत ज़्यादा मतलब इरीटेट करता है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे चार्ज भीम इसका, इलेक्ट्रो डिफ्ट इसका जो मोटर बाइक वाला था, और पैराबॉलिक चार्ज सारे के सारे नर्फ कर दिया गया है। और नेक्स्ट पोकेमोन है हो, तो भाई इसको भी नर्फ किया गया है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो डैमेज डेल्ट टू अपोजिंग पोकेमोन डिक्रीज, शील्ड यहाँ पे वीक कर दी गई है, कूल डाउन इसका इंक्रीज कर दिया गया है, फायर स्पिन का भी डैमेज देख सकते हो रिड्यूस किया गया है, यूनाइट चार्ज रेट भी इसका डिक्रीज कर दिया गया है। तो भाई हो भी यहाँ पे नर्फ हो चुका है। पिकाचू गाइस बफ देने के बाद फिर से इसको नर्फ किया गया है। आप देख सकते हो इलेक्ट्रो बॉल इतना ज़्यादा डैमेज दे रहा था, उसको नर्फ किया गया है, उसका कूलडाउन बढ़ा दिया गया है, थंडर का भी देख सकते हो आप कम किया गया है, यूनाइट मूव भी यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, यानी पिकाचू का अब यूनाइट मूव थोड़ा सा बफ करके फिर नर्फ कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं सेरुलेज। भाई ये भी पोकेमोन बहुत ज़्यादा सिरदर्दी है अभी के टाइम में। तो आप देख सकते हो डैमेज डेल टू अपोजिंग पोकेमोन बेटर ब्लेड जो है उसको डिक्रीज किया गया है, कूल डाउन उसका इंक्रीज किया गया है, साइको कट का भी आप देख सकते हो वीक कर दिया गया है, और फैंटम फोर्स भी वीक हो चुका है। तो यहाँ पर डैमेज डेल टू पोकेमोन डिक्रीज मतलब कूल डाउन भी इंक्रीज किया गया है और डैमेज भी रिड्यूस किया, तो अच्छा खासा नर्फ है ये। तो अब बात करते हैं आर्मर योज, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब गेम में बीटी दे रहा था। तो इसका भी देखिए फायर स्पिन नर्फ किया गया है, फायर स्पिन प्लस भी यहाँ पे नर्फ किया गया है, साई शॉक भी इसका नर्फ किया गया है, साइड अग भी इसको मतलब सॉरी साई शॉक प्लस भी यहाँ पे देख सकते हो, आर्मर कैनन को भी यहाँ पे डिक्रीज किया गया है। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि आर्मर योज को सेरुलेज को अच्छे खासे मतलब नर्फ दिए जा रहे हैं पोकेमोन्स को यहाँ पे। अब देखते हैं गाइस जो नेक्स्ट पोकेमोन है म्यूटू साइज स्ट्राइक, यहाँ पे म्यूटू जो एक्स है इसको नर्फ मिला है, म्यूटू वाई को बहुत प्रॉपर बफ मिला है, वो आगे की वीडियो में आपको दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो साइज स्ट्राइक प्लस और वो दोनों नर्फ, ग्रेडियंट यहाँ पे बफ हो चुका है गाइस। तो देखिए ब्लीच इसका यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि इंक्रीज हो गया, इफेक्ट ऑन अपोजिंग पोकेमोन स्ट्रेंथ इंक्रीज हो चुका है, साथ ही साथ में बुलेट सीड का भी डैमेज आप देख सकते हो, कूल डाउन रिड्यूस हुआ है बुलेट प्लस सीड का भी, कोवेट का भी यहाँ पे आप कूल डाउन देख सकते हो ये भी रिड्यूस हुआ है, और यूनाइट चार्ज रेट इंक्रीज हुआ है। भाई गाटलू भाई खुश हो जाएंगे। लैप्रेस यहाँ पे गाइस बफ हुआ है मेरे ख्याल से। तो द अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग स्टैट्स इंक्रीज अप हेडजमिन डिफेंस स्पेशल डिफेंस, दोनों चीज बढ़ी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बबल बीम का स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ है, शील्ड का पेरिस सॉन्ग भी यहाँ पे, भाई फिर से कॉम्बो तैयार है, पेरिस सॉन्ग और बबल बीम कॉम्बो तैयार है भाई। एचपी रजिस्ट्रेशन इंक्रीज, भाई ये डिफेंडर अब फिर से चलने वाला है मेटा में। अब बात करते हैं गाइस ब्लिसी यहाँ पे बफ हो चुकी है, तो भाई ब्लिसी अब हर गेम में दिखने वाली है फाइनली। कम्फी और मेरे ख्याल से क्लिफी थोड़ा कम हो गई, अब ब्लिसी दिखेगी। सेफगार्ड यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, सेफगार्ड प्लस, हेल्पिंग हैंड देख सकते हो कूल डाउन रिड्यूस हुआ है और ड्यूरेशन एडजस्ट की गई है उसकी। तो भाई हेल्पिंग हैंड और मतलब जो सेफगार्ड है ये दोनों अच्छे मूव सेट है, आपको भी पता है, तो ये भी यहाँ पे बफ हो चुका है। एजू मेरिल की बात करें ये भी मेरे ख्याल से यहाँ पे बफ हुआ है, स्पेशल डिफेंस देखिए एडजस्ट किया गया है, वर्लपूल भाई मस्त मस्त अटैक है लिटरली बताऊँ तो, और वर्लपूल प्लस यहाँ पे देख सकते हो, यूनाइट मूव की शील्ड इंक्रीज हुई है इसकी। भाई टॉप लेन में एजू मेरिल चलाओ, लिटरली बता रहा हूँ, सोलो में जिसको भी दिक्कत आ रही है, बहुत अच्छा पोकेमोन है। नेक्स्ट पोकेमोन यहाँ पे आप देख सकते हो म्यूटू वाई को बहुत तगड़ा बफ मिला है गाइस, ये देख सकते हो बेसिक स्पीड इंक्रीज हुई है, फ्यूचर साइड देख सकते हो आप प्लस हुआ है, कूल डाउन रिड्यूस हुआ है इसका फ्यूचर साइड का, और आप देख सकते हो रिकवर प्लस का भी मतलब शील्डिंग इफेक्ट ऑन यूजर स्ट्रेंथ किया गया है, टेलीपोर्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हो कूल डाउन रिड्यूस किया गया भाई टेलीपोर्ट का। तो भाई म्यूटू वाई लिटरली बताऊँ आप बंदे म्यूटू वाई लेंगे, उस पर रैपिड मसल लगाएंगे और भाई एक्स अटैक लगाएंगे और चपाचप भाई मतलब जो दो अंधा डैमेज दे रहे थे ना, फिर से म्यूटू वाई मतलब गेम में आ चुका है, बैक टू बेस्ट अटैकर, मतलब बेस्ट अटैकर नहीं स्पैमर बेस्ट अटैकर आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लेशियन को, यहाँ पर शायद बफ किया गया है गाइस, आप देख सकते हो द अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ बीन इंक्रीज, आइसिकल स्पेयर देख सकते हो आप, फ्रीज ड्राई देख सकते हो, इसका भी मतलब डैमेज डेल्ट इंक्रीज किया गया है, ऊपर के तीनों अटैक का डैमेज डेल्ट इंक्रीज किया गया है। स्टैट्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हो स्टैट्स कितने से कितना इंक्रीज हुआ है,
अभी डिस्पाइट द बफ अप्लाइड इन द अगस्त द विन रेट हैज़ बीन रिमेंट लो। तो भाई वो तो लोगों के ऊपर है ना, तुम्हारा क्या है इससे। चलो कोई नहीं, बफ कर दिया, अच्छी बात है। इस पे उनको यहाँ पे देख सकते हो, इसको भी बफ दिया गया है। मेरे ख्याल से ईवी इवेंट आ रहा है ना, इसलिए इन दोनों पोकेमोन को बफ दिया गया है। क्या पता इनसे रिलेटेड स्किन बंदों को परचेज करवानी होगी, इसलिए इन दोनों को स्पेशली बफ दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो साई शॉक प्लस फ्यूचर साइट और फ्यूचर साइट प्लस दोनों को बफ दिया गया है। तो भाई बिल्कुल वही है, मतलब ईवीज का इवेंट आने वाला है नवंबर में, आई थिंक 14 नवंबर के आसपास आएगा, इसलिए इसको इतना ज़्यादा बफ किया गया है। और इसकी शायद कोई स्किन भी रिलीज कर दे, इसलिए भाई प्रमोशन हो रहा है यहाँ पे ईवीज का। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, जो हमारा शायद लास्ट है आज का, वो है गार्डिवॉर। गार्डिवॉर को यहाँ पे बफ किया गया, आप देख सकते हो। साइकिक प्लस, शाई शॉक प्लस, फ्यूचर साइट और फ्यूचर साइट प्लस, सब कुछ इंक्रीज़ किया है। डैमेज सबके इंक्रीज हो चुके हैं। स्टैट्स भी आप देख सकते हो, स्टैट्स भी इंक्रीज़ किए गए हैं। 35 175 से इंक्रीज़ करके 225 हो चुका है। 138 और से देख सकते हो आप 175 हो चुका है। और साइकिक देख सकते हो, स्पेशल डिफेंस रिड्यूस किया गया है साइकिक का। डैमेज आप देख सकते हो 110% इंक्रीज़ हुआ है, और डैमेज 5% इंक्रीज़ हुआ है शाई शॉक का। फ्यूचर साइट का 5% इंक्रीज़ हुआ। तो भाई देखा जाए तो ओवरऑल मतलब सब कुछ इन्होंने बेटर कर दिया है। अब देखो भाई, डिफेंडर लिटरली बताऊँ, डिफेंडर्स का मेटा चल रहा है। स्नोलैक्स बफ हुआ, ब्लास्टोइस बफ हुआ, ग्रेडिएंट बफ हुआ, लैप्रस बफ हुआ। तो भाई आप लोग बताओ नीचे, आप कौन सा पोकेमोन स्पैम करने वाले हो, और ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।